माता का विसर्जन। देखो ये देखो YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम सब लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं घर में, और बस मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। एक्चुअली मुझे ना बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड एंड फीवर दोनों हो रखा है। इस टाइम पर भी है, अभी भी हल्का फीवर है मुझे, वही जुकाम वाला फीवर है और कुछ नहीं। तो जुकाम तो बहुत ही ज्यादा है, तो अभी मैं सब लोगों से ना दूर हूँ। ये जो कोल्ड है ना, बहुत जल्दी फैलता है एक दूसरे में, तो इस वजह से, क्योंकि घर में छोटा बच्चा भी है, विनी भी है, तो बस बच्चे को नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, 10 से 12 दिन हो गए हैं मेरे कोई ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, और आप लोग ये सोच रहे हो कि कहाँ गायब हूँ मैं और मैंने कोई अपडेट भी नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, हम लोग ना एक्चुअली घूमने के लिए गए थे, तो हमारा ना 9 से 10 दिन का टूर था, तो हम लोग वहाँ पर गए थे, और हम लोग ना एक बहुत ही सुंदर सी और प्यारी सी जगह पर गए थे। तो हम लोग घूम के आ चुके हैं, और हम लोग ना जस्ट माता रानी के विसर्जन से एक दिन पहले ही लौटे हैं। तो हम लोग जब गए थे ना, तो माता रानी के आगमन से पहले, यानी कि नवरात्र प्रारंभ होने से पहले ही चले गए थे, तो इस वजह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला डालने का। हमारा जो टूर था बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही खूबसूरत रहा, लेकिन लास्ट में विनी की एक्चुअली तबीयत जो थी वो हो गई थी खराब, तो उस वजह से हम लोगों को ना जल्दी वापस आना पड़ा, तो हम लोग जल्दी आ गए। तो आज है माता रानी का विसर्जन, तो विनी और विनी के डैडी गए हैं नीचे विसर्जन में, और तो मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं है, और बहुत तेज फीवर और कोल्ड भी है, तो लोगों से मतलब दूर रहना चाहिए ऐसे में, तो मतलब और किसी को ना हो इस वजह से। तो दर्शन तो हम लोगों ने कर लिए हैं वीडियो कॉलिंग पे, विनी के डैडी ने करा दिए हैं। और माता रानी जब आती है तो बहुत अच्छा लगता है, तो जब माता रानी का आगमन हुआ था तो हम लोग ने नहीं देखा था, क्योंकि हम लोग थे ही नहीं कोलकाता में, लेकिन जब जाती है ना तब बहुत ही बुरा लगता है। पूरा मतलब चार जो भी रौनक होती है ना, वो पूरी मतलब शांत हो जाता है पूरा माहौल, क्योंकि 4-5 दिन तक ना बहुत ही मजा आता है, धूम रहती है एकदम से माता रानी की हर जगह। और वो जो कोलकाता का जो म्यूजिक है ना, आप सुनो जब माता रानी को जो बजता है, जो जिसे कासोर बोलते हैं, वो उसकी धुन होती है ना, वो बहुत ही प्यारी लगती है। तो बहुत ही फेवरेट म्यूजिक है वो मेरा, मैंने अपने ना मोबाइल में भी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं उसको हमेशा सुनती हूँ। कभी कभी हम लोग अपने टीवी में लगा लेते हैं तो हम लोग सुनते हैं, तो बड़ा पॉजिटिव वाइब्स उससे फैलती है पूरे घर में, तो वो मुझे म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये है, तो फ्रेंड्स, विनी और विनी के डैडी गए हुए विसर्जन में, तो चलिए आपको दिखाते हैं नीचे वो दोनों लोग क्या कर रहे हैं, और जो माता रानी का विसर्जन है वो भी आपको दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, जहाँ हम लोग घूमने के लिए गए थे वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लॉग्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप उन ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये है, तो चलिए फिर चलते हैं नीचे और देखते हैं माता रानी का विसर्जन। तो फ्रेंड्स, आज माता का हो रहा है विसर्जन, माता आज जाएंगी, और विनी बार बार कह रही थी कि हम लोग मिस करेंगे माता को। ये हमारी माता है। कहाँ जा रही हो? कहाँ? आराम से, अभी आ रही है, आ रही अभी जी को आ रही है। Thank you.
जाओ पीछे आओ, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, आप पीछे आओ, नहीं पीछे आओ, कम कम आ जाओ, अब वहां बैठ जाओ, ओके। देख रही हो माता, अब नेक्स्ट ईयर फिर से आएंगी ना? हाँ? नेक्स्ट ईयर फिर आएंगी, यही आएंगी माता। हाँ हाँ यही आएंगी माता, और क्या माता आएंगी, गणेश जी भगवान जी आएंगे, सरस्वती माता आएंगी, लक्ष्मी माता आएंगी, सब लोग आएंगे, अभी काली माता आएंगी। जय 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 बोलो माता की जय। यस माता की जय।
ये देखो और माता आ रही, देखो इधर देखो इधर देखो, thank you.